ये देखिए है ना, बिल्कुल हलवाइयों वाला जो आप डेरी पर देखते हैं, गाढ़ा क्रीमी मलाईदार दही। ये देखिए कितना भी हिला लीजिए आपका दही हिलेगा भी नहीं, इतना बढ़िया बिल्कुल डेरी वालों जैसा दही जमा है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि आखिर हलवाई ऐसा क्या मिलाते हैं कि दही इतना गाढ़ा जमता है और घर में वो जम नहीं पाता। तो चलिए आज मैं आपके साथ सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आप भी बिल्कुल हलवाइयों वाला दही गाढ़ा घर में ही जमा सकते हैं। सबसे पहली चीज, डेरी वाले जो दही जमाते हैं, आपने देखा होगा कि बिल्कुल यूं ही कटता है, उसके पीछे बहुत सारी ट्रिक्स वो अपनाते हैं। तो उसी में जो सबसे पहली ट्रिक है वो है एकदम गाढ़ा बिना पानी वाला दूध। आपको जो दूध लेना है वो बहुत ही गाढ़ा फुल फैट क्रीम मिल्क लेना होगा। जैसे अमूल गोल्ड बहुत गाढ़ा दूध होता है, उस तरीके का दूध आपको लेना होगा। चाहे तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। दही जमाने के लिए हम टोंड मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे वो क्रीम और वो मलाईदार दही जम नहीं पाता। तो मैंने यहाँ पर पूरा 2 लीटर गाढ़ा फुल क्रीम दूध लिया है। सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे, तो मैं गैस को ऑन करूंगी। याद रखिए कि आपको जो बर्तन लेना है जिसमें आप दूध उबाल रहे हैं, वो थोड़ा सा भारी तले का लीजिए, चाहे तो कढ़ाई ले लीजिए, उसमें भी आप दूध उबाल सकते हैं। तो हमने गाढ़ा ही दूध लिया है, अब इसको जरा 2-3 बार बढ़िया से उबालेंगे। तो हम इस प्रकार से लगातार चलाते हुए, जिससे कि नीचे ये जमे नहीं, इसको उबालेंगे। अगर आप 4-5 लीटर दूध का दही जमा रहे हैं ज्यादा अमाउंट में, तो आप बेहतर होगा एक बड़ी सी कढ़ाई लें भारी तले की और उसमें दूध को उबालें। और बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप कम क्वांटिटी में भी दही जमा रहे हैं और आप चाहते हैं मलाई वाला दही, तो इसी तरह आपको दूध को बिल्कुल बढ़िया उबालना होगा। अगर दूध पतला रहेगा तो कभी भी दही आपका एकदम गाढ़ा जम नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। दूध हमारा बिल्कुल बढ़िया से उबल गया है, तो गैस को ऑफ कर देंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ बिल्कुल हलवाइयों वाली ट्रे, जिसमें वो दही जमाते हैं, है ना बिल्कुल वैसी ही। अगर आपको जल्दी है दही जमाने की, तो थोड़ा सा छोटा बर्तन ले। हम इस ट्रे में पूरे दूध को डाल देंगे बिल्कुल गरम। थोड़ा सावधानी से करें, दूध बहुत गरम है। अब आप इस ट्रे को इसी तरीके से पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दें। उससे क्या होगा, इसके ऊपर एक मलाई की हल्की सी लेयर आ जाएगी और 3-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर हल्की सी ये मलाई जम गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल फुल फैट क्रीम वाला है। थोड़ी ही देर में ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे कि दूध को इससे ज्यादा ठंडा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रे में जमाया है, आप इसको, हमें कोई इस तरीके का बर्तन है मिट्टी का, तो आप उसमें भी जमा सकते हैं या फिर आप कैसरोल में भी जमा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से जब आपकी मलाई आ जाए, इस स्टेज पर अभी भी दूध काफी गर्म है, तो आप लीजिए एक विस्कर ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए कोई भी कप। अब यहाँ जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है इसको फेंटना, और मैं इसको एक विस्कर की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लूंगी। इस तरह फेंटेंगे कि इसमें झाग आ जाए ऊपर। जितना बढ़िया झाग ऊपर आ जाएगा, उतना ही बढ़िया इसके ऊपर मोटी मलाई पड़ेगी। आप कोई कटोरी से भी इसको अच्छी तरह फेंट सकते हैं, कप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया से हम इसको फेंटेंगे और ये देखिए पूरे दूध पर झाग आ गया है। इसी से दूध हमारा एकदम गाढ़ा क्रीमी दही जमेगा। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि इस तरह फेंटना है और दूध को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है। ये मैंने लिया है जामन यानी दही, ये फ्रेश दही है मेरे घर का ही जमा हुआ। अगर आपको डेयरी वाला दही मिल जाता है जमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल गाढ़ा और फ्रेश होना चाहिए, पुराना बिल्कुल नहीं होना चाहिए काफी महीने, और बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपने जामन ही बहुत पतला ले लिया या आपने उसको खट्टा लिया है, तो दही आपका प्रॉपर नहीं जम पाएगा। इस तरह से आप चेक करें उंगली डाल करके, दूध इतना गर्म है अभी कि उंगली उसे बर्दाश्त कर पाए। अगर आप बहुत ज्यादा भी गर्म है, तो दूध अभी आप थोड़ा और ठंडा होने दें। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है जब आप गर्मियों में दही जमा रहे हैं। और अगर आप विंटर में यानी अभी जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो इतना गर्म रखें कि थोड़ा ज्यादा गर्म आपको महसूस हो। इतनी क्वांटिटी में मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच दही। तो थोड़ा यहाँ डाल देते हैं, थोड़ा सा चारों कोने पर भी डाल देते हैं, जिससे कि दही बिल्कुल प्रॉपर एकदम परफेक्ट जमे। तो लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने सब तरफ दही इसमें डाल दिया है। इससे ज्यादा हम दही बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर हमने बहुत ज्यादा दही डाला, तब भी दही प्रॉपर हमारा जमेगा नहीं और वो पानी छोड़ सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जाड़ों में स्पेशली थोड़ा ज्यादा मात्रा में दही डालें और गर्मियों में थोड़ा कम मात्रा में दही डालें। अब हमें इस दही को प्रॉपर जमाने के लिए, ये मैंने लिया है ब्लैंकेट। आप ब्लैंकेट या मोटी कोई भी टॉवल, या तो शॉल से या कोई भी स्वेटर से, या फिर आप कोई भी मोटी टॉवल ले सकते हैं। इससे दही बहुत बहुत जल्दी जम जाता है।
आप इसको जरूर ट्राई करके देखें। ब्लैंकेट में बिल्कुल इस तरीके से आप नीचे भी या तो ब्लैंकेट ही लगा दें या टॉवल ले लें और इसको इस तरह रखें और ज्यादा इसको हिलाए नहीं कि इसके झाग बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इसी तरह रहे। और इसके ऊपर आप इसको कवर कर दें किसी भारी चीज से कि इसमें बिल्कुल हवा रह जाए और जो भी इसके अंदर अभी गर्माई है वो इसी में बनी रहे। उसी गर्माई की वजह से हमारा दही बिल्कुल परफेक्ट जमेगा। तो इस तरह से ढक करके हम इसके ऊपर भी ब्लैंकेट को इस तरह से कवर कर देंगे, सब तरफ से इस तरह कवर करेंगे कि बिल्कुल भी इसमें हवा ना जाए। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। इसको मैंने बिल्कुल इस तरीके से सब तरफ से पूरा कवर कर दिया है एक सुरक्षित जगह पर जहाँ इसको कोई भी छुए नहीं। लगभग हम 7 घंटे के लिए इसको रख देंगे क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा समय लगेगा दही को जमने में, क्वांटिटी भी ज्यादा है। ये तो है डेयरी वाले स्टाइल का दही। अगर आप चाहते हैं कि 2 घंटे में आपका जाड़े में भी दही जम जाए तो उसके ऊपर मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको 3 ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप 2 घंटे में भी विंटर में दही जमा सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो वीडियो जरूर देखें। इसको जमने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए इसी तरह रख देते हैं। तो चलिए 7 घंटे हो चुके हैं, दही को चेक कर लेते हैं। वाओ, कितना बढ़िया हमारा दही जमा है। कोई कह सकता है कि ये आपने घर में जमाया है, बिल्कुल डेयरी वाले हलवाइयों जैसा, हिल भी नहीं रहा है। आप ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि जो हमने झाग बनाए थे उसकी वजह से इसके ऊपर कितनी अच्छी लेयर आई है। बहुत ही बढ़िया, एकदम बाजार जैसा आपका दही जमा है। और ये देख के तो लग रहा है कि बस अभी निकाले और खा लें, लेकिन इसको अभी हम नहीं छुएंगे। इसके ऊपर की जो लेयर है उसको और भी बढ़िया टाइट सेट करने के लिए इसको हम रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रिज में रखने से जो इसके ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी और आपको मिलेगा फिर क्रीमी मलाईदार दही। तो लीजिए, फ्रिज में से मैंने दही को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा दही जमा है। अब तो रुका नहीं जा रहा है, तो चलिए अब इसको बिल्कुल हलवाई स्टाइल कट करते हैं। लेकिन मेरा मन भी नहीं कर रहा इसको कट करने का, इतना बढ़िया जमा हुआ है। तो चलिए, काटना तो पड़ेगा ही क्योंकि खाना भी है। कट करने से पहले पहले मैं आपको इसकी ये दिखाती हूँ कि ऊपर हमारी जो मलाई आई है वो कैसी आई है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी दही की मलाई जमी है। क्या ऐसे हम दही जमाते हैं तो कभी घर में होता है, लेकिन जब आप ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो इस तरीके से मलाई आपकी पूरी लेयर मलाई की आपको दही पर दिखाई देगी। अब इसको कट करके निकालते हैं एक बोल में। वाओ, मतलब मैं क्या बोलूं इस दही के बारे में, आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से ये क्रीमी बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। ये देखिए एकदम गाढ़ा, कोई पानी का निशान नहीं है, बहुत ही बढ़िया थिक एकदम क्रीमी मलाईदार हमारा दही जमा है। देखिए कैसे लेयर्स निकल रही हैं। ऐसे ही निकालते हैं ना हलवाई वाले दही भी, और आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त हमारा दही जमा है। मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, दही को देख के ही आपको समझ आ रहा होगा। आप ये देखो, इस लाइन से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना गाढ़ा और मलाईदार दही हमारा जमा है। देखिए कैसे कट हो रहा है। तो बस अपनाइए ये टिप्स एंड ट्रिक्स और घर में जमाइए बिल्कुल डेयरी जैसा हलवाइयों वाला गाढ़ा मलाईदार दही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।